तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक एरिया ब्रिक मैंशन को बाकी शहर से आइसोलेट करने का फैसला किया था, जिसके लिए उन्होंने एक 40 फीट की दीवार भी खड़ी कर दी ताकि ब्रिक मैंशन में जो क्राइम रेट इतना हाई है वो बाकी शहर में ना फैले, जिसके लिए इन्होंने उस दीवार के सहारे आर्मी और पुलिस को भी खड़ा कर दिया। और जब क्राइम रेट इतना हाई है तो यहाँ स्कूल और हॉस्पिटल की तो क्या ही जरूरत। सही बात है, ये चीजें तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है ना कि। खैर, दूसरी तरफ यहाँ मेयर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठकर उन्हें विश्वास दिला रहा था कि ब्रिक मैंशन को हम दोबारा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, जिस काम को वो खुद संभाल लेगा, इंक्लूडिंग जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो लोग ब्रिक मैंशन में नहीं रहना चाहते उन्हें भी। जिसके बाद ये सीन ब्रिक मैंशन के एक स्मॉल अपार्टमेंट में आया, जहां लीनो नाम का आदमी एक सूट केस में से ड्रग निकाल कर उन्हें बेकार कर रहा था। असल में उसने ये ड्रग इस गंजे से चुराए जो कि माफिया बॉस का राइट हैंड है। तभी ये गंजा लीनो के दोस्त के पास आया कि हमें लीनो से मिलना है, जिसके लिए उसके दोस्तों ने मना तो किया, लेकिन ये लोग जबरदस्ती अंदर घुस गए, जहां लीनो अपनी जंपिंग, रनिंग, सेल्फ डिफेंस और भी तगड़ी तगड़ी स्किल के साथ इन लोगों से बचकर यहां से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में डिटेक्टिव डीमन इन क्रिमिनल्स की फोटो को ध्यान से देख रहा था, जिसमें उसे इन सभी लोगों को पकड़ना है, जिनमें कि ये एक आदमी जॉर्ज भी है। तभी डीमन यहाँ से एक माफिया बॉस जॉर्ज के साथ एक बैंकेट में पहुंचा, जहाँ डिनर के टाइम जॉर्ज बात करने लगा कि किसी ने गंजे से ड्रग्स चुरा लिए हैं, तो हमारे पास मौका है कि हम गंजे को ड्रग बेच दें। लेकिन वो इस बात के लिए अनश्योर था कि गंजे से डील करने कौन जाएगा, क्योंकि उसके लिए इन्हें ब्रिक मैंशन में घुसना होगा। तब इस काम के लिए डीमन ने हाँ कह दी। वहीं दूसरी तरफ गंजा अपने बॉस अलेक्जेंडर से मिलने पहुंचा, जहां उसने बताया कि हमें वो पैकेट अभी तक नहीं मिले हैं, जो सुनकर अलेक्जेंडर काफी गुस्सा हुआ, तो उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने ही एक आदमी को मार दिया, जिसके बाद उसने धमकी दी कि मुझे कैसे भी वो ड्रग्स चाहिए। तब यह सुनकर गंजे की लुप हो गई, तो इसलिए उसने लीनो की गर्लफ्रेंड को किडनैप करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ डीमन और जॉर्ज जॉर्ज के हेडक्वार्टर पर पहुंचे, जहां उनका पुलिस भी पीछा कर रही थी, क्योंकि असल में डीमन एक अंडरकवर मिशन पर निकला था जहां वो जॉर्ज को पकड़ सके। तभी जॉर्ज के हेडक्वार्टर में डीमन ने वो ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर दिया, जिस बीच गार्ड ने देखा कि उनके हेडक्वार्टर के बाहर काफी गाड़ियां आ गई है, जो देखकर जॉर्ज समझ गया कि ये अंडरकवर पुलिस की गाड़ी है, तो इस बात से उसे शक हुआ कि शायद उसे किसी ने धोखा दिया है। लेकिन उसका शक डीमन पर नहीं गया, जिसकी वजह से डीमन ने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया और साथ ही जॉर्ज को भी अपनी बंदी बना लिया। तब ये देखकर यहाँ गुंडों ने डीमन पर हमला किया, जिस शूटआउट की वजह से जॉर्ज अपने आदमियों के साथ यहाँ से भाग निकला। लेकिन तभी डीमन उसका पीछा करने लगा, लेकिन वो उसकी कार पर ऐसे टंग गया जैसे ये मेरा चैनल टंगा हुआ है बीच में। खैर, तभी जॉर्ज उस पर शूट करने लगा, लेकिन तभी डीमन ने इस कार को क्रैश करा दिया, जिसकी वजह से जॉर्ज सीधा पुलिस स्टेशन के पास ही पहुंच गया। जिसके बाद जॉर्ज के अरेस्ट होते ही डीमन वापस घर पर आया और उसने अपना नेक्स्ट टारगेट अलेक्जेंडर को बना लिया। वहीं दूसरी तरफ K2 यहाँ शहर के बीच में पहुंचा, जहां वो अपनी पार्टनर रजा के साथ एक रेस्टोरेंट में घुसा, जहां पर लीनो की गर्लफ्रेंड लोला काम करती थी। तब इन्होंने यहाँ लोला को पकड़ लिया, जिसके बाद ये उसे अलेक्जेंडर के पास लेकर आए। लेकिन लोला जानती थी कि लीनो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो काफी कॉन्फिडेंट थी।
और उसका ये कॉन्फिडेंस काम भी आया क्योंकि तभी अलेक्जेंडर के हेडक्वार्टर में यहाँ लिनो पहुंच गया, जिसने अलेक्जेंडर को गन पॉइंट पर लेकर उसे अपनी बंदी बनाया और उसे यहाँ से ब्रिक मैंशन के पास वाले पुलिस स्टेशन में ले आया ताकि ये लोग अलेक्जेंडर को अरेस्ट कर ले। लेकिन ये पुलिस वाले तो खुद इतने बढ़िया निकले कि उन्होंने अलेक्जेंडर को छोड़ के उल्टा लिनो को ही अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से लिनो ने गुस्से में एक पुलिस वाले की गर्दन भी तोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ मेयर के ऑफिस में डेमन की मुलाकात मेयर से हुई, जहां मेयर ने उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन दिया कि कल रात हमारा एक न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल का ट्रक हाईजैक कर लिया है जो कि ब्रिक मैंशन में है, और अगर उन हाईजैकर्स ने उस बॉम्ब को एक्टिवेट किया तो यहाँ पूरा शहर उड़ जाएगा, इसलिए डेमन को उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने जाना होगा, जिसके लिए उसे एक सीक्रेट कोड भी दिया गया। तब मेयर ने डेमन को बताया कि तुम्हें उस बॉम्ब को ढूंढने के लिए इस लिनो नाम के आदमी की मदद लेनी होगी जो कि ब्रिक मैंशन को काफी अच्छे से जानता है। तब सीन यहाँ से लिनो पर आया, जिसे पुलिस वाले दूसरी जेल में ले जा रहे थे, और तभी यहाँ डेमन भी आ गया जो कि पहले तो लिनो के साथ ही बैठा, लेकिन फिर उसने इन पुलिस वालों पर ही अटैक कर दिया, जिसके बाद उसने इस गाड़ी का कंट्रोल लेते हुए लिनो को अपने साथ लिया, जहाँ लिनो उसे अपनी प्रॉब्लम बताने ही वाला था, लेकिन तभी इनके पीछे पुलिस पड़ गई, जिसकी वजह से डेमन ने ब्रिक मैंशन में एंट्री गेट की जगह एक बिल्डिंग में क्रैश करके ली क्योंकि उसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी। तभी लिनो ने डेमन के हाथ में वो हथकड़ी पहनाकर यहाँ से भाग निकला क्योंकि वो समझ गया कि ये डेमन कोई खतरनाक आदमी है। जिस बीच यहाँ एक ग्रुप भी आया जिन्होंने डेमन पर अटैक तो किया, लेकिन डेमन खुद को जैसे तैसे फ्री करके इन लोगों से बच निकला। जिस बीच लिनो अलेक्जेंडर को देख रहा था तो तभी यहाँ डेमन आ गया, जिसने उल्टा अब लिनो को ही हथकड़ी पहना दी। तब इन दोनों ने डिसाइड किया कि जब इन दोनों का ही टारगेट अलेक्जेंडर है तो उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, इसलिए तब ये दोनों सीधा अलेक्जेंडर के ऑफिस में पहुंचे, जहां लिनो ने अलेक्जेंडर को बता दिया कि डेमन एक पुलिस वाला है जो कि यहाँ वो चुराया हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब लेने आया है, जिसके जवाब में अलेक्जेंडर ने इन्हें खिड़की से बाहर देखने के लिए कहा, जहाँ इन्होंने एक मिसाइल रेडी कर रखी थी जो कि सीधा शहर को ही उड़ा देगी, इसलिए अलेक्जेंडर ने इस मिसाइल को रोकने के लिए $30 मिलियन की डिमांड करी, जो सुनकर डेमन ने मेजर को फोन किया तो मेजर ने इस डिमांड के लिए मना कर दिया कि अगर हम इतना पैसा देंगे तो हम खुद कंगाल हो जाएंगे, लेकिन डेमन ने ऐसा नाटक किया कि अगले 25 मिनट में अलेक्जेंडर के बैंक में पैसे आ जाएंगे, लेकिन उसने अभी के लिए मिसाइल को बंद करने के लिए कहा, जिसके लिए अलेक्जेंडर नहीं माना कि पहले पैसे और फिर मिसाइल बंद होगी, जिसके बाद अलेक्जेंडर के लोग लिनो और डेमन को दूसरे कमरे में ले गए। तभी अलेक्जेंडर ने गंजे से पूछा कि तुम्हें इस न्यूक्लियर बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी, जिस पर गंजे ने बताया कि मुझे तो बस ऐसे ही पता चल गई और जब हम वहाँ पहुंचे तो ये ट्रक हमें ऑलरेडी खाली मिला, जो सुनकर अलेक्जेंडर को थोड़ा शक हुआ कि आखिर इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब कोई कैसे बिना सिक्योरिटी के ले जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रूम में लिनो और डेमन ने प्लान किया कि इन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगले 25 दिनों में भी वो पैसे नहीं आने वाले, इसलिए तब लिनो ने नाटक किया कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, जो देखते हुए अलेक्जेंडर के लोग जब इन दोनों को उभार ले जाने लगे तो तभी इन्होंने उन लोगों पर अटैक कर दिया, जो देखकर गंजा और उसके आदमी इन दोनों का पीछा करने लगे। तब यहाँ से भागते भागते ये एक स्कूल बस में घुस गए, जो देखते ही गंजे के आदमियों ने इस बस पर ऑटोमेटिक राइफल से शूटिंग स्टार्ट कर दी, जिसके बाद गंजे ने अपने दो आदमी भेजे कि जाओ बस में चेक करो, लेकिन डेमन और लिनो यहाँ नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ मेयर के हाउस में ये लोग डिबेट करने लगे कि हमें ब्रिक मैंशन को उड़ाना चाहिए या नहीं,
क्योंकि अगर मिसाइल लॉन्च हुई तो वो ब्रिक मेंशन के साथ साथ शहर के भी 5 किलोमीटर के एरिया को उड़ा देगी। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के ऑफिस में इनके फाइनेंस कंट्रोलर ने बताया कि हमारे बैंक में पैसे आने की जगह उल्टा कम हो रहे हैं, जो सुनकर अलेक्जेंडर ने उस मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन तभी डेमन ने उस मिसाइल पर शूटिंग की, जिससे कि वो कंट्रोलर यहीं खराब हो गया। तब ये देखते हुए अलेक्जेंडर ने ब्रिक मेंशन के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद करा दिए, ताकि ये लोग कहीं से ना भाग पाए। जिसे बीच डेमन और लीनो या अलेक्जेंडर के आदमियों से बचते हुए बिल्डिंगों पर कूदने लगे। लेकिन तभी इनका सामना अलेक्जेंडर के काफी खतरनाक फाइटर से हुआ, जो कि सच में ही खतरनाक था, जो कि इनके आसानी से चटनी बना देता। पर वो तो शुक्र है कि इन दोनों ने आपस में मिलकर डायरेक्टर से ऐसी स्क्रिप्ट लिखवा ली कि ये लोग उसे हरा सकते हैं, जिसके बाद ये लोग उससे जीत कर जब आगे बढ़े, तो तभी अलेक्जेंडर ने अपने नाम की तरह ही काम करते हुए रॉकेट के कंट्रोलर को ठीक कर दिया, जिसके बाद वो मिसाइल का बटन दबाता, लेकिन फिर वो रुक गया, क्योंकि वो किसी मासूम की जान नहीं लेना चाहता था। तब ये देखकर गंजे की गर्लफ्रेंड रजा काफी गुस्सा हुई, इसलिए उसने अलेक्जेंडर के हाथ पर शूट किया, जो देखकर लोला ने रजा के हमेशा के लिए मजा बंद कर दिए। तभी यहाँ डेमन और लीनो भी आ गए, जिस बीच डेमन ने अलेक्जेंडर पर गन पॉइंट करी कि तुमने ही मेरे फादर को मारा था। लेकिन अलेक्जेंडर ने बताया कि मैंने आज तक किसी मासूम की जान नहीं ली, उल्टा ये तो उन पुलिस वालों का ही जाल था। लेकिन डेमन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं करा, जिसके बाद लीनो ने जैसे ही वो सीक्रेट कोड देखा तो बोला कि अरे ये तो कोई सीक्रेट कोड नहीं, बल्कि ब्रिक मेंशन का कोड है, जो सुनकर डेमन को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। इसलिए इनकी आर्गुमेंट के बीच ही लीनो ने एक्सप्लेन किया कि असल में ये न्यूक्लियर बॉम्ब की हाईजैकिंग वगैरह सब कुछ मजाक था, क्योंकि मिसाइल कभी भी बिना सिक्योरिटी के नहीं जाती। तो असल में ये सारा प्लान मेयर का है कि वो ब्रिक मेंशन को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर को लाना चाहता है। इसलिए तब ये सुनकर डेमन ने इस बॉम्ब टाइमर को एक्सपायर होने दिया, जिसके बाद उसने देखा कि ट्रिगर अचानक ही रुक गया है, जिसका मतलब लीनो और अलेक्जेंडर एकदम सही थे, तो इसलिए ये ब्रिक मेंशन से निकलकर सीधा मेयर की बिल्डिंग में घुसे, जहाँ इन्होंने उसे वो बॉम्ब वापस दे दिया, जो देखकर मेयर काफी शॉक्ड हुआ। तभी डेमन उस बॉम्ब में वो कोड डालने वाला था, जिससे ये मिसाइल फट जाएगी, लेकिन तब मेयर ने उसे रोक दिया, जहाँ वो बोला कि असल में ये कोड डालने से मिसाइल फट जाएगी और ब्रिक मेंशन तबाह हो जाएगा। जो सुनकर डेमन ने मेयर से कहा कि उधर देखिए कैमरे में आपके साथ प्रैंक हुआ है। तब हमें पता चला कि इन्होंने मेयर का बयान एक वीडियो टेप में रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके बाद ये पूरी न्यूज चारों तरफ फैल गई, जिसकी वजह से मेयर अरेस्ट हो गया और मूवी के एंड में ब्रिक मेंशन को भी पब्लिक के लिए खोल दिया गया, जिससे कि यहाँ की पब्लिक की लाइफ वापस नॉर्मल हो गई और डेमन भी ब्रिक मेंशन में बिना किसी वॉयलेंस के साथ रहने चला गया। लेकिन आप जाने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।